हेलो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी A50 का अनबॉक्सिंग। तो मैं तो फ़ोन ऑलरेडी निकाल चुका हूँ बॉक्स से, तो आप लोगों को मैं पहले बॉक्स दिखा देता हूँ। ये है दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी A50 का बॉक्स, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर प्राइस लिखा है 21,000, लेकिन ये मार्केट में 20,000 में अवेलेबल है। इसका जो की फीचर्स है वो है इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट, ट्रिपल रियर कैमरा, इन्फिनिटी यू डिस्प्ले, और ये एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, और ये 4GB 64GB वर्सन है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 25 MP फ्रंट कैमरा है, 25 MP रियर कैमरा, 5 MP है आप लोग का डेप्थ कैमरा, और 8 MP का वाइड एंगल कैमरा। ये एक फुल एच डी प्लस एस एमोलेड डिस्प्ले है, और ये मेक फॉर इंडिया डिवाइस है। तो दोस्तों यही है सैमसंग गैलेक्सी A50 का बॉक्स। मैं आप लोगों को एक बार बॉक्स ओपन करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये एक बॉक्स टाइप का है, इसके अंदर आप लोगों को जो मिलता है वो है ये जेली कवर। ये जेली कवर आप लोगों को उसके अंदर मिल जाएगा, और कुछ कागज़ वगैरह है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके अलावा आप लोगों को बॉक्स के अंदर जो मिलता है वो है ये चार्जर। ये सैमसंग का पावर अडाप्टर है जो गैलेक्सी S10 के साथ भी मिलता है। ये एक 15 वाट का पावर चार्जर है, और Type-C USB केबल। इसके अलावा आप लोगों को जो मिलेगा वो है एक बेकार सा हेडफोन, पुराना वही हेडफोन जो किसी काम का नहीं है। इससे अलावा आप लोगों को सिर्फ हैंडसेट मिलता है। तो हैंडसेट का बैक साइड आप लोग देख सकते हैं, बहुत बढ़िया है, एक ट्राई कलर का रिफ्लेक्शन देता है, लेकिन ये प्लास्टिक है तो फिंगरप्रिंट्स बहुत ज़्यादा लेता है और स्क्रैचेस भी आ जाता है। यह है फ्रंट साइड, ये इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा स्लो काम करता है। आशा करते हैं कि सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ ये ठीक हो जाएगा। ये सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, बहुत ही अच्छा दिखता है, कलर कंट्रास्ट जो भी है बहुत बढ़िया लेता है। तो इसका मैं एक फिज़िकल ओवरव्यू कर देता हूँ आप लोगों को। तो राइट साइड में आप लोगों को मिल जाएगा पावर बटन और वॉल्यूम बटन, अप साइड में आप लोग देख सकते हैं सिर्फ माइक्रोफोन है, नीचे की तरफ है स्पीकर, Type-C पोर्ट, हेडफोन पोर्ट। लेफ़्ट साइड में आप लोगों को मिल जाएगा सिम कार्ड का जो जगह है, और मेमोरी कार्ड का सेम। फ्रंट में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 25 MP का फ्रंट कैमरा है, इन्फिनिटी यू नॉच डिस्प्ले के साथ, और रियर में आप लोगों को मिल जाएगा 25 MP मेन रियर कैमरा, 8 MP का वाइड कैमरा, और 5 MP का डेप्थ सेंसर। फिंगरप्रिंट तो आप लोग पहले ही देख चुके हैं कि ये डिस्प्ले के अंदर है, थोड़ा स्लो है लेकिन काम कर जाता है, एक्यूरेसी 80% टाइम ओके है। तो मैं AI तो बेंच मार्क इसके ऊपर रन किया था, वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं शायद, अगर लोड है तो हाँ, ये स्कोर आया है 43,879, जो कि एक मिड रेंज डिवाइस के लिए ठीक है, लेकिन कुछ ज़्यादा खास नहीं। और इसके अलावा मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ तो बेंच मार्क स्कोर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं करीबन 1,40,000 के आसपास स्कोर है, तो यह भी ठीक है एक मिड रेंज डिवाइस के लिए। इसको आप पोको फोन से कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि उसका प्रोसेसर बहुत ही बढ़िया है, लेकिन इसका जो मेजर पॉइंट्स है वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं है, मैं 2 हफ्ते यूज़ करने के बाद इसका रिव्यू भी बोल रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर जो मेन जो प्रॉज है इसका, इस डिवाइस का मतलब जो अच्छा चीज़ है वो है इसका डिस्प्ले। इसका डिस्प्ले बहुत ही बढ़िया है। ओह, ये फिंगरप्रिंट काम नहीं करता ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, क्यों समझ नहीं आता। और इसका जो फेस अनलॉक है ये भी थोड़ा स्लो है, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम होता है अनलॉक के टाइम। तो पहले मैं प्रॉस बता देता हूँ, इस डिवाइस का डिस्प्ले बहुत ही बढ़िया है, इसका जो स्पीकर है ठीक ठाक है, और हेडफोन से जो आउटपुट निकलता है वो भी बहुत बढ़िया है, Type-C केबल आप लोगों को मिल जाता है। रियर कैमरा आउट जो फ्रंट कैमरा है वो ठीक ठाक है, मैंने कुछ फ़ोटो खींचे थे आप लोगों को दिखा देता हूँ। इसका अनलॉक बहुत प्रॉब्लम होता है, ठीक है, मैं एक अलग से फ़ोटो को रिव्यू का एक वीडियो बना दूंगा। तो मैं जितना फ़ोटो खींचा सब में देखा कि डेलाइट का जो डिटेल्स आता है वो बहुत ही बढ़िया है,
और जो इसका जो 8 मेगापिक्सल का जो अल्ट्रा वाइड लेंस है उससे अगर आप लोग फोटो खींचना चाहे तो आप लोगों को डे लाइट में ही खींचना पड़ेगा, क्योंकि नाइट लाइट में अगर खींचोगे तो उनमें ऑटो फोकस भी नहीं है तो फोटो बहुत ही बेकार आता है। सिर्फ डे लाइट में ही वो अल्ट्रा वाइड ज़्यादा अच्छा काम करता है। और इसका जो फ्रंट कैमरा है वो ठीक ठाक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और इसका कॉन्स भी मैं थोड़ा बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो है वो है अनलॉकिंग सिस्टम। इसका जो अनलॉकिंग सिस्टम है वो बहुत ही स्लो है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम काम नहीं करता, कभी बहुत फास्ट काम करता है तो कभी बहुत स्लो काम करता है। इसका जो प्रोसेसर है वो बहुत बढ़िया है लेकिन थोड़ा सा लैग करता है कभी कभी, हर वक्त नहीं। ये आप लोग देख सकते हैं, नाइट मोड ऑन कर दिया हूँ मैंने तो इसके लिए ये पूरा ब्लैक दिखा रहा है, तो एमोलेड में या इतना ब्लैक होगा तो बहुत ही बढ़िया लगता है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ अबाउट फ़ोन सेक्शन, तो यह है सैमसंग गैलेक्सी A50, आप लोग देख सकते हैं। इस पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन भी आप लोगों का है, तो ये हो गया आपका फिंगरप्रिंट। तो दोस्तों यही था इस डिवाइस का अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो। तो रिव्यू के अंदर मैं आप लोगों को जो बताना चाहता हूँ, सबसे पहले जो है इसका कैमरा बढ़िया है, इसका प्रोसेसर ठीक ठाक है, डिस्प्ले बहुत ही बढ़िया है और इतना सस्ते में आप लोगों को इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दे रहा है, तो ये भी बहुत बढ़िया बात है। इसके लिए बहुत खर्चा पड़ता है। Android 9 Pie पे चल रहा है तो ये भी बहुत बढ़िया बात है। और जो इसके अंदर कॉन्स है वो है जो अनलॉकिंग सिस्टम है वो थोड़ा स्लो है अभी के लिए। इसका जो प्लास्टिक बैक पैनल है ये बहुत फिंगरप्रिंट लेता है और स्क्रैच हो जाता है इजीली, तो ये एक प्रॉब्लम है। इसका सॉफ्टवेयर जो है वो है OneUI, जो आप लोगों को S10 या फिर Note 9 इसमें मिलता है, तो वो OneUI अभी तक ठीक से ऑप्टिमाइज़ नहीं हुआ। कुछ कुछ चीज़ अटक जाता है कभी कभी, कुछ कुछ चीज़ काम भी नहीं कर रहा, तो शायद अपडेट के साथ वो ठीक कर सकते हैं सैमसंग। और जो प्रॉब्लम है वो मुझे लगा कि स्पीकर का बेस क्वालिटी मतलब थोड़ा सा कम है अगर एमआई फोन्स के साथ कंपेयर किया जाए। और जो फ्रंट कैमरा है उसका जो लेंस है वो भी फिक्स्ड फोकस है, ऑटो फोकस नहीं है, तो ये मुझे बहुत बुरा लगा कि 20,000 के फ़ोन में फिक्स्ड फोकस कैमरा। लेकिन क्वालिटी बढ़िया है। तो दोस्तों यही था सैमसंग गैलेक्सी A50 का अनबॉक्सिंग एंड छोटा सा रिव्यू वीडियो। आप लोगों को अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसे ही वीडियो के लिए। और मैं जल्दी से जल्दी एक कैमरा रिव्यू का भी वीडियो निकाल सकते हो, अगर आप लोग चाहे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हुआ नहीं लगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।